नमस्कार, एक बहुत बड़ी अपडेट है कॉलेज फिलिंग के बाद आपका कॉलेज लॉक होने का प्रोसीजर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि कॉलेज लॉक करने का प्रोसीजर क्या है, अगर आप इस प्रोसीजर को नहीं करते हैं तो आपको नुकसान क्या हो सकता है, और यह एक चीज़ मान के चलिए कि यह 100% सभी के सभी बच्चों को करना है, तभी आप वैलिड माने जाएंगे। तब आगे मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको आगे करना क्या है, आपने कॉलेज फिल कर दिया है, कॉलेज को लॉक करने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जो साथी पहली बार लर्निंग डे परिवार से जुड़े रहे हैं उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं एक विश्वसनीय चैनल के लिए आप लर्निंग डे को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे बड़ी अपडेट ये आई है अभी जस्ट हाल ही में, आज 20 तारीख है, आज आपको कॉलेज फिलिंग का जो टाइम दिया गया था वो 20 अगस्त दिया गया था। तो 20 अगस्त के पहले आप लोगों ने अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज फिल कर दिया है। अब बात है कि कॉलेज फिल होने के बाद कॉलेज लॉक कब करना है। तो दोस्तों कॉलेज लॉक जो होने का प्रोसीजर है वह स्टार्ट हो गया है, कॉलेज लॉक होने का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। फटाफट आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, अपना आप पासवर्ड डालिए और सिक्योरिटी पिन डाल करके तुरंत जा करके कॉलेज लॉक कर दीजिए। अगर आप कॉलेज लॉक नहीं करते हैं तो चांसेस, मैक्सिमम चांसेस का है कि आपका जो साइट है या फिर बोर्ड आपको वैलिड न माने, आपका अनलॉक होने के कारण आपको काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर समझा जा सकता है। तो इसलिए ये गलती किसी को भी नहीं करना, और 100% सभी के सभी बच्चों को फटाफट बिल्कुल तुरंत जा करके कॉलेज लॉक कर देना है। कॉलेज लॉक करने के बाद फिर आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कॉलेज लॉक करने के पहले एक बार आप सभी ऑप्शन चेक कर लेना कि आपको आपने अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज फिल किया है या नहीं किया है, जो आप जैसा कॉलेज चाहते हैं वैसा कॉलेज आपने ऑप्शन में डाला या नहीं डाला, क्योंकि एक बार अगर आपने कॉलेज लॉक कर दिया तो दोबारा आप उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। कॉलेज लॉक होने का मतलब फिर वो पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। अभी आप बार बार चेंज जो कर रहे हैं हम लोगों से एडवाइस लेकर के, फिर वो चेंजिंग का प्रोसीजर आपका हट जाएगा। सीधे सीधे लॉक करने का मतलब अब वो बोर्ड के पास सबमिट हो गया आगे के प्रोसेस के लिए। तो आगे जो भी प्रोसेस होगा, आगे जो भी अपडेट आएगी, सबसे पहले बिल्कुल विश्वसनीय चैनल के तरीके से, इधर उधर की कोई बात नहीं, केवल और केवल आपके लिए इन्फॉर्मेशन की बात लेकर के आएगा लर्निंग डे सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे पहले। ठीक है साथियों, तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करना, इस वीडियो को शेयर करना, और अपने साथियों को भी बोलना भाई लर्निंग डे से जुड़ो, लर्निंग डे आपको एक विश्वसनीय चैनल के रूप में सारी की सारी चीज़ें बताएगा। मेरे से अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ करके अपना कोई भी डाउट, अपना कोई भी क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फटाफट कॉलेज लॉक कर दीजिएगा, लेकिन कॉलेज लॉक करने के पहले आप एक बार देख लीजिएगा कि जो ऑप्शन आपने फिल किया है, जो कॉलेज का ऑप्शन आपने फिल किया है वो परफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि फिर लॉक होने के बाद कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। हम जो बच्चों के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, उससे आप 100% सेटिस्फाई होंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर मेरे प्यारे दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, आपको कॉलेज मिल जाए यही मेरी रिक्वेस्ट है गॉड से। थैंक यू दोस्तों।